सिद्धार्थनगर जिले की इकलौती डुमरियागंज लोकसभा सीट से आज इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने नामांकन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कुशल तिवारी सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचे और वहां से निर्धारित संख्या में उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपना नॉमिनेशन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सिद्धार्थनगर जिले में चल रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं, जिन लोगों ने पर्चा खरीदा है वह सभी नामांकन नहीं करेंगे। वह इकलौते प्रत्याशी हैं जिसका समर्थन प्राप्त है। अपने प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने कहा कि क्षेत्र का चौमुखी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में काम करना है, वह उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा दिलाते हुए प्रचंड बहुमत की बात कही है। इस मौके पर इटावा विधानसभा से सपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज से सपा विधायक सईदा खातून बासी, नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा, रायनी कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम, सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब जिसको फॉर्म भी मिलता है वही तो रिकॉग्नाइज प्रत्याशी होता है। आप जाहिर है कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई कैसे आप मनाएंगे? आप देखिए ये गलत भ्रामक तो बात ना करिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग हम लोग इकट्ठा हैं और इस तरह की बातें जो भ्रामक फैलाना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। पार्टी का एक ही, हर पार्टी का दो प्रत्याशी थोड़ी लड़ता है, एक ही लड़ता है। किन मुद्दों को और बताइए भाई, किन मुद्दों को लेकर के? विकास का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, बाढ़ है, बीमारी है, तमाम सारे ऐसे मुद्दे जहाँ पर इस जिले को जिस मैंने विकास की जो चीज़ें, जिन चीज़ों पर हमारा हक है आज़ादी, विकास की आज़ादी जो हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। हम इतना टैक्स देते हैं, पैसा जाता है दिल्ली सरकार से, हमारे यहाँ तो तमाम से सारे कार्य हैं जो निष्पादित होने चाहिए। आज हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा ये है कि पलायन नौजवानों का हो रहा है, बाहर जाते हैं। ये सिद्धार्थनगर में अब तक जो चुनाव जो भी हुए हैं इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा जो आता है वो बाहरी का आता है। अब तक का इतिहास है कि बाहरी बनाम जो है, आप यहाँ के प्रधानमंत्री, आप यहाँ के प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि कहाँ के रहने वाले हैं। हम तो हमारी तो तमाम रिश्तेदारियाँ हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि हमारी उनसे कम से कम 50 गुना ज़्यादा रिश्तेदारियाँ हमारी हैं जिनकी बात कर रहे हैं आप। हमारे सारे रिश्तेदार, रिश्ते, नाते सारे यहाँ पर हैं। इससे पहले तो कभी आपका यहाँ पे इस तरह का कभी ना तो विजिट होगा ना आपका कभी? हम बराबर यहाँ आते रहते हैं। अब आप नहीं मिले होंगे हमसे इस तरह से कैमरा लेकर के, तो बात दूसरी। और आपके सामने एक बड़े राजनीतिक से आपका मुकाबला है जगदम्बिका पाल, जो यहाँ के सांसद भी हैं, चार बार, पांचवी बार। देखिए जनता का आशीर्वाद जिसको मिलता है भाई बड़ा उत्सव होता है, उसमें बड़ा ये आशीर्वाद जनता जिसको देती है वही बड़ा होता है। नेता को मतलब जनता का भरो ये जिस पर आशीर्वाद होता है वही नेता होता है।